home by keeping yourself safe. Today in EVS, I have brought a new lesson which is about neighborhood. Before starting with the lesson, we must know what is the meaning of neighborhood. Neighborhood means the places around our house. Places around our house is called our neighborhood. हमारे घर के आसपास आपने बहुत सारे जगह देखी होगी. फॉर एग्जाम्पल, गार्डन, स्कूल, लाइब्रेरी, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड नेबरहुड प्लेसेस. इन्हें ही हम नेबरहुड कहते हैं. एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ नेबर्स? नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी. द पीपल हु स्टे अराउंड अवर हाउस इज कॉल्ड अवर नेबर्स. पीपल हु स्टे क्लोज टू अवर हाउस, जो हमारे आसपास रहते हैं कॉलोनी में, घर के आसपास, दे आर कॉल्ड अवर नेबर्स. सो योर नेबरहुड एंड नेबर्स, डाउट इज क्लियर? सो नाउ लेट अस लर्न इन टू पार्ट्स हाउ वी विल लर्न द फर्दर चैप्टर इन द नेबरहुड. वॉट काइंड ऑफ प्लेसेस डू वी सी इन अवर नेबरहुड एंड हु आर द पीपल हु हेल्प अस to make our life very easy. Now, firstly, I am going to explain you in this chart. I have pasted certain pictures which the places you might have seen nearby your houses. The first one, let us talk about market. It is a very common thing. हम सबको पता है, क्योंकि हमारे रोज की जरूरतों वाला सामान हम मार्केट में ही लेने जाते हैं. देयर यू कैन गेट एवरीथिंग वंस यू आर आउट ऑफ द हाउस. स्टेप इनटू द मार्केट, देयर यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग दैट वी नीड इन अवर डे टू डे लाइफ. सेकेंड थिंग इज बैंक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर वी सेव ईच एंड एवरी वैल्यूएबल्स इन द बैंक. एंड ऑल्सो nowadays there is ATM facility provided by the bank, so 24 hours that service is available for us anytime. If we need some money or need to deposit or transfer any amount to someone, we can go and operate from the ATM machines. Now look is the third picture about fire station. अचानक कभी अगर हमारे घर के आसपास कुछ सडन फायर हो जाती है, इफ फायर टेक प्लेस सडनली नियर बाय अवर प्लेसेस, वी कैन कॉल द इन द फायर स्टेशन फॉर द हेल्प. ये लोग आते हैं, उस फायर को बुझा के हमें सेफ रखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द स्कूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल चिल्ड्रन. Some students might be staying very close to the school area, or some might be traveling from one place to another one. But if the school is there nearby our neighborhood, then it becomes very convenient for us to go, because traveling makes people tired. Or agar ghar ke aas pass school ho, to it is most comfortable for us. Next is hospital. Very very important place again. Why? हम बहुत बार, कई बार ऐसी स्थिति आती कि हम बीमार पड़ जाते हैं या कोई भी emergency होती for the medical, we immediately rush to the hospital and doctors are there, nurses are there who help us to get cure very soon. Very interesting place in our neighborhood is park. Park, that means other word we can say is garden, which you love the most, because in the park you might be enjoying like anyhow. You love to play there and take different rides on the swings or the slides etc. And you might have also seen there older people or the aged people, they keep on walking evening or in the morning according to their comfortability. They go to the parks nearby the parks and they walk or sit and chat with their friends. So these are certain places. कुछ और places के बारे में देखते हैं. Chemist,
हॉस्पिटल हमें इमरजेंसी में हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, लेकिन केमिस्ट हमें मदद करती है दवाइयों को खरीदने में। इन आवर नेबरहुड केमिस्ट यू माइट हैव सीन, आपने देखा होगा कि केमिस्ट है हमारे घर के आसपास, क्योंकि हमें रोज अगर कभी ना कभी रिक्वायर होती है, कभी फीवर आ जाता है, कभी कॉफ आता है, कोल्ड वी फील, सो वी कैन गो एंड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द नियर बाय केमिस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इज पोलिस स्टेशन। व्हाट डज पोलिस स्टेशन डू, हाउ डज दे हेल्प अस? बाय बीइंग द पोलिस स्टेशन हियर इन अवर नेबरहुड वी कैन गेट डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्प, बिकॉज पोलिस मैन और पोलिस वेमेन दे बोथ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड बिकॉज ऑफ देयर हेल्प वी आर सेफ इन अवर कॉलोनी इन अवर हाउस, एंड इन केस ऑफ एनी रॉबरीज और टू कैच थीव्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसीलिए हमें अपने आप को थैंकफुल महसूस करना चाहिए ऐसे नेबरहुड में रहने। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। सी You might have seen the library which we have in our school. There are different almirahs. Lot of books are kept in that. We read it and we gain knowledge. Similarly, nearby our neighborhood, we can find a public library where different kind of people come और वो लोग यहाँ पर बैठ के books पढ़ते हैं, knowledge लेते हैं, and they love to read different kind of stories in it. So these are the certain very few examples which I could have pasted on this chart. I have explained you there are different kind of places around our neighborhood. इसके अलावा भी बहुत सारे shops आपने देखे होंगे, electrical shops देखा होगा, florist की दुकान देखी होगी आपने, हार फूलों की वगैरह, है ना। तो सिर्फ यही नहीं, ये तो these are the few examples which I have given. Now coming to the second part, that is our helpers. Let us see how do these important people, they help us and make our life very easy, क्योंकि हम घर बैठ के कई काम इनकी मदद से ही करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है ग्रीन ग्रोसर। What is the meaning of green grocer? A person who sells fruits or vegetables is known as green grocer, जो सब्जी और फलों को बेचते हैं। और अगर मैंने यही पास में ग्रोसर दिया है तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन ग्रोसर एंड द ग्रोसर, सो नेवर गेट कंफ्यूज इन दिस टू पार्ट। ग्रोसर मींस वन हु रन्स द शॉप ऑफ कीपिंग डिफरेंट आइटम्स लाइक राइस, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा, ये हमारे रोजाना किराने का सामान, यू कैन से किराने की दुकान, दिस इज द पर्सन जो किराने का दुकान चलाता है उसे हम ग्रोसर कहते हैं, और जो सब्जियां फल वगैरह बेचते हैं उन्हें हम ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। Nowadays it is very comfortable. The moment you might have come out of your house, you might have seen people, they are taking their carts from one place to another, door to door they come and they sell vegetables and all. Next is electrician, very important person. इसके बिना ना हम टीवी देख सकते हैं, लाइट अगर चली गई, कोई प्रॉब्लम अगर हमें आता है इमीडिएटली, या खराब हो जाता है रेफ्रिजरेटर, टीवी और एनी अदर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विच गेट स्पॉइल, हम तुरंत इलेक्ट्रिशियन को कंसल्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और वो हमारे घर में आकर उस चीज़ को रिपेयर करते हैं। देन लुक एट दिस मैन, व्हाट इज डूइंग विद दिस सीविंग मशीन, ही इज स्टिचिंग क्लोथ्स, सो हीज नेम इज टेलर। टेलर हमारे कपड़ों को सीता है एंड ही डिजाइन्स द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस आल्सो। बार्बर, बार्बर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु हेल्प्स अस इन आवर लाइफ। वी नीड टू ट्रिम अवर हेयर और कट अवर हेयर ऑन टाइम टू लुक गुड। नेक्स्ट इज द गार्डनर, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, इंदौर। यस, नाउ इन द कमिंग टाइम, इट विल बी द फिफ्थ टाइम वी आर गोइंग टू गेट द अवार्ड फॉर इट, because these people are helping too much to us to make our gardens very beautiful by planting more and more trees. फिर ये मैकेनिक के पास देखिए, हम टू व्हीलर, फोर व्हीलर यूज करते हैं और बाइसिकल भी यूज, सो डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल से हम एक जगह से दूसरे जगह पे जा
जाते हैं, विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द अर्लियर चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। सो ही इज द मैकेनिक। बाई चांस अगर हमारा व्हीकल खराब हो जाता है तो ही इज द पर्सन हु हेल्प्स अस और हमारी गाड़ी को रिपेयर करता है ताकि हम अगेन कंटिन्यूटी में आगे जा सकें। पुलिसमैन एंड पुलिसवीमैन, जस्ट नाउ आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट व्हेन आई टॉट यू अबाउट पुलिस स्टेशन, यहाँ मैंने बताया हाउ डू पुलिसमैन एंड पुलिसवीमैन दे हेल्प अस, चोरों को पकड़ते हैं, क्रिमिनल क्राइम्स होने के से बचाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। नाउ अगेन क्लीनर, डेली यू माइट हैव सीन देयर इज डिफरेंट वैन्स और द बिग ट्रक्स मूविंग अराउंड अवर हाउसेस, दे कलेक्ट द गार्बेजेस एंड क्लीन अवर एरिया एंड मेक अवर एनवायरमेंट और सराउंडिंग वेरी क्लीन। दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स में होंगे हमारे पोस्टमैन, मिल्कमैन, बहुत सारे हैं। सिमिलरली कॉबलर, वन हू मेंड शूज, जो हमारे शूज को रिपेयर करता है। ब्लैकस्मिथ, जो आयरन रॉड्स वगैरह मटेरियल्स को बनाता है, उसको रिपेयर करता है। बेकर, अगेन केक्स, ब्रेड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट यू गो टू द बेकरी एंड द बेकर इज द हेल्पर हु हेल्प अस इन बेकिंग ऑल द थिंग्स। वॉचमैन, वॉचमैन इफ यू आर स्टेइंग इन अ मल्टी देन देयर इज अ वॉचमैन और इन अ कॉलोनी यू विल फाइंड अ वॉचमैन हु कीप्स ऑन गार्डिंग अवर हाउस और उर्दिंग की मदद से हम घर पे सेफ रहते हैं। यर अगेन फ्लोरिस्ट, बुकेस, बड़े बड़े हम भगवानों को हार चढ़ाते हैं, गार्लेंड्स वी यूज, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स वी यूज, सो फ्लोरिस्ट शॉप इज ऑल्सो अवेलेबल इन अवर नेबरहुड प्लेस एंड फ्लोरिस्ट आर द पीपल हु सेल्स ऑल दिस थिंग्स। डॉक्टर्स अगेन दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जब मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में एक्सप्लेन किया था, सिमिलरली मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर हमें कोई परेशानी होती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी रश टू द डॉक्टर्स। दीज आर सर्टन हेल्पर्स, मोर हेल्पर्स आर ऑल्सो देयर, दीज आर सर्टन प्लेसेस अराउंड अवर हाउसेस। सो माई डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड इज वन थिंग, वी इफ वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दीज places, it is our duty to keep our surroundings clean and always we must thank our helpers for silly help that they do for us. हमें अपने helpers को हमेशा thankful होना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हमारी life इतनी comfortable नहीं होती. So do respect our helpers and thank them that because of them we are very much comfortable and convenient in our day-to-day life.